हरियाणा के गुड़गांव जिले में बसा फारूक नगर यूं तो एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन हरियाणा राज्य के इतिहास में फारूक नगर का काफी बड़ा योगदान माना जाता है। फारूक नगर कस्बे की स्थापना मुगल शासक फौजदार खान ने करवाई थी। फौजदार खान के शासन में कई विशाल इमारतों का निर्माण करवाया गया। इन्हीं में से एक है फारूक नगर का शीश महल। यह शीश महल लाल पत्थर, झज्जर स्टोन और लाखौरी ईंटों से बनाया गया था। इस महल को रानी की इमारत के तौर पर बड़ी खूबसूरती से 1711 ईस्वी में तैयार करवाया गया था। शीश महल एक 3 मंजिला इमारत है जिसमें कई सारे कमरे बने हुए हैं। शीश महल के नीचे लगभग 1 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनी हुई है जो महल के बाहर एक बावली तक जाती है। इसका इस्तेमाल रानी स्नान के लिए करती थी। फारूक नगर को बसाने वाले फौजदार खान मुगल शासक औरंगजेब के पोते फारूक शियार के सेनापति थे। महल की 4 दीवारी में घुसने के लिए एक मेहराबदार दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है। 4 दीवारी में महल के बीचों बीच से नहर बनी है जिसमें पानी नजदीक के बावली से आता था। महल के मेहराबों और खंभों पर सुंदर पच्चीकारी थी जो अब नजर नहीं आती है। देख रेख के अभाव के कारण महल की रौनक दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। बारादरी में शीशों के काम की वजह से इसका नाम शीश महल पड़ा था, मगर इनकी चमक बीते कल की बात थी जो अब नजर नहीं आती है। 2 मंजिले शीश महल की हाल ही में कुछ हद तक मरम्मत की गई थी, लेकिन इसके पीछे और एक बगल का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसकी 4 दीवारी के अंदर गदर के शहीदों की याद में एक स्मारक भी बना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।